ये मेरे बज्जी अपेयर का एक बॉक्स है, तो इसमें काफ़ी इनकी पूप जमा हो गई है, तो इस वजह से आज मैं इसको साफ़ करूँगी। और इसमें टोटल माशाल्लाह 1, 2, 3, 4, 5, 6 बच्चे हैं इसमें। तो पहले मैंने मेरे पास एक ये बर्तन है प्लास्टिक का, इसमें मैंने बूरा डाल ली है, बच्चों को इसमें रख दिया ताकि उन्हें सर्दी ना लगे किसी भी किस्म की, ठीक है। तो इसमें डाल के इनको जब तक मैं इनका बॉक्स ऑफ करूँगी रख दिया है इसमें, ठीक है। तो ये आप इसकी हालत देख रहे हैं। सर्दियों में कुछ ऐसा होता है कि डीठें जो होती हैं ना वो गर्म रखती हैं बच्चों को, तो इस वजह से अक्सर लोग नहीं साफ़ करते, लेकिन अब जैसे कि इनके ऊपर हल्के हल्के पर भी आ चुके हैं तो अब हम इसको साफ़ कर देते हैं। मैंने इनका बॉक्स साफ करके इसमें कूपेक्स डाल दी है। कूपेक्स से ये होता है कि कीड़े मकोड़े जितने भी लकड़ी के अंदर या इनकी पूप के वजह से अंदर जमा होते हैं वो इसमें नहीं होंगे, और किसी भी किस्म के जुओं से और कीड़ों से ये जो बॉक्स और बच्चे हैं महफूज रहेगा। अब मैंने इस बॉक्स में बूरा डाल दिया है, अब मैं इसमें बच्चे डाल दूंगी वापस। जी मैंने बॉक्स वापस लगा दी है, और ये पेयर है वो जिसके बच्चे हैं, और वो देखें आपके सामने माँ जो है बच्चों की मोटर चली गई है। और कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि अगर हम बॉक्स साफ करेंगे तो शायद वो बच्चों को दाना देना छोड़ देगी या अंदर जाना छोड़ देगी, हार्डली 5 मिनट के बाद उसे पता रियलाइज हो जाएगा कि बच्चे जो हैं वो उनको दाना देना है। और कुछ ऐसा मसला नहीं है, आप लोग जब कलियाँ आ जाएं बच्चों पे और फिर उनका बॉक्स साफ कर सकते हैं, सफाई का खास ध्यान रखें। तो बस ये दैट्स इट।